हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, टैली प्राइम सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो होने वाली है बहुत ही खास, क्योंकि एक बहुत ही गजब की ट्रिक बताने वाला हूं आपको। और वो ट्रिक क्या है, चलिए ये समझते हैं। सबसे पहले तो एक यहाँ एंट्री पास कर लेते हैं। हमने परचेज में काफ़ी एंट्रीज पास कर रखी हैं, तो थोड़ा सा सेल्स में भी पास कर लेते हैं। F8 प्रेस करके यहाँ आ जाते हैं। तो सेल्स वाउचर में या तो आप कैश रखिए या तो डेटर पार्टी रखिए। तो हम चलिए डेटर पार्टी लगा लेते हैं। तो यहाँ पे एक डेटर पार्टी मैंने लगा लिया। लेजर एंटर प्रेस करता हूँ, एंटर प्रेस करके और इसको कराता हूँ एक्सेप्ट। यहाँ पे सेल्स अकाउंट का लेजर लगा लीजिएगा। अगर आपने नहीं बनाया तो बना भी सकते हैं, Alt-C करके बना सकते हैं। और बाकी क्रिएट तो यहाँ आ ही जाता है, टैली प्राइम की यही खास बात है। ठीक है, यहाँ पर हम ले लेते हैं कीबोर्ड। तो कीबोर्ड के काफी आइटम्स हमारे पास हैं, 100 कीबोर्ड हम ले लेते हैं। और यहाँ पे कीमत लगा देते हैं 780 रुपए। ठीक है, सेल करने की कीमत 780 रुपए, परचेज का रेट जो था हमारा 500 था, 780 रुपए कीमत लगा दिया हमने। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर कोई और भी गुड्स हमारे पास मौजूद होगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास सेलो पेन है, तो 5 सेलो पेन है हमारे पास, तो 5 सेलो पेन हम सेल कर दे रहे हैं। एंटरप्रेस करते हैं, एक सेलो पेन की कीमत हम रखेंगे 7 रुपए। एंटरप्रेस किया यहां पर आ गए। अब यहां पर मान लीजिए कि दो ही स्टॉक आइटम आपको सेल करने हो, तो सेल करने के लिए अब हम सेल तो कर रहे हैं। एंटरप्रेस किया, यहां पर आए, यहां पर न्यू रेफरेंस कर देंगे, एंटरप्रेस करेंगे, यहां पर आएंगे तो नरेशन आपको डालना है। तो यहां पर मैं लिखता हूं द गुड्स कुछ इस तरीके से have been sold, यानी बेचा गया। ठीक है, ये लिख दिया मैंने। और कंट्रोल ए से सेव कर लेते हैं। और सेव करने के पहले ये देख लीजिए, यहां पर बाउचर नंबर जो है 2 है इसका। ठीक है, देख लीजिएगा ध्यान से, ये बाउचर नंबर 2 है। तो हम जब इसको सेव करेंगे तो अब गेटवे ऑफ टैली पे चलते हैं और यहां से के प्रेस कर लेते हैं, क्योंकि हम देखना चाहते हैं। ठीक है, जो हमने एंट्री सेव की है उसको देखना चाहते हैं। तो बाउचर नंबर 2 था, तो देखिए इसमें बाउचर नंबर 2 कहीं नजर आ रहा है, सेल्स में यहां पे नजर आ रहा है। तो बस इसी को एंटर प्रेस कर दीजिए और अल्ट पी करिए यहां पर। ठीक है, अल्ट पी करिए, एंटर प्रेस कीजिए, बाकी आपका प्रिंट तो निकल ही जाएगा एंटर प्रेस करने से। यहां पर देखिए प्रीव्यू आपको दिख रहा है, तो ये आपका प्रीव्यू है, देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम क्या चाहते हैं, एक बार नई एंट्री पास कर लेते हैं सेल्स की। ठीक है, तो यहां से बाहर आ जाते हैं और यहां से आप चाहे तो कंट्रोल जी भी प्रेस कर सकते हैं। तो कंट्रोल जी प्रेस करेंगे तो भी यही आ जाएगा, इसके पहले मैंने बताया है। ठीक है, अगर आपको बाउचर में जाना है तो क्रिएट बाउचर पर डायरेक्टली क्लिक कर दीजिए, ये भी एक तरीका हो सकता है, अल्टरनेटिव मेथड हो सकता है। ठीक है, इस बार हम क्या करते हैं, डेटर पार्टी ले लेते हैं। ये ले लिया हमने, एंटर प्रेस किया, एंटर प्रेस करते हुए यहां पर आ जाएंगे। यहां पर आकर के इसको भी एंटर प्रेस करके एक्सेप्ट करेंगे। सेल्स अकाउंट का लेजर जरूर लगा लीजिएगा। और यहां पर हम बात कर लेते हैं कीबोर्ड की। तो कीबोर्ड का बचा खुचा जो है 500 कीबोर्ड और हम सेल कर दे रहे हैं, और एक की कीमत 780 रुपए रख रहे हैं। एंटर प्रेस करते हैं, एंटर प्रेस कर दिया, अब बस कीबोर्ड ही रखते हैं। ठीक है, एंटर प्रेस किया और एंटर प्रेस करते हुए यहां पर आ गए नरेशन पर। अगर आप रिट्रीव कराना चाहते हैं नरेशन पर आने के बाद, पुराने नरेशन को जस्ट इसके ठीक पहले जो आपने एंट्री पास की थी उस नरेशन को रिट्रीव कराना चाहते हैं, तो आप कंट्रोल आर प्रेस कर दीजिए। जैसे ही कंट्रोल आर प्रेस करेंगे तो जो मैंने लिखा था नरेशन, देखिए वही आ रहा है नीचे, देखिए द गुड्स हैव बीन सोल्ड, जो हमने पहले लिखा था वो कंट्रोल आर प्रेस करने से ही आपको आ जा रहा है। तो आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप रिट्रीव कराना चाहते हो। तो आई होप कि ये शॉर्टकट की अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आया तो शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।